अस्सलाम वालेकुम जी, ये है जी नौ मरला का डबल स्टोरी स्पेनिश डिज़ाइन हाउस घर है जी। बहुत ही खूबसूरत घर है, ये अवेलेबल है जी फॉर सेल। लोकेशन इसकी है जी जीवन सिटी फेज 3 पार्क फेसिंग है। ये देखें जी आउटसाइड बाउंड्री वॉल इसकी देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। ये देखें खूबसूरत डिज़ाइनिंग है जी इस घर की। तो चलिए जी आपको अंदर से ये घर जो है वो विज़िट करवाते हैं और आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताते हैं। इस साइड पे इसको आपको सी थ्रू खूबसूरत गेट जो है वो मिलेगा, ये देखें जी। और कार पोर्च के बाहर तक जो है ये टाइल लगाई गई है, ये देखें। ये सामने मेन गेट है जी, और इसमें जो स्पेस है वो आप यहाँ पे दो गाड़ियाँ जो है बड़ी ईजीली पार्क कर सकते हैं, उसके साथ आप जो है वो टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। ये देखें जी खूबसूरत डिज़ाइन का ये कार पोर्च है जी। ये सीलिंग का डिज़ाइन है, कार पोर्च की सीलिंग का डिज़ाइन। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको वर्क मोज़ाइक में जो है वो वॉल मिलेगी। ये देखें या हयो या कयूम लिखा गया है ऊपर। और इस साइड पे जो है वो गली है जिसमें एक डोर है जो आपके किचन को कनेक्ट करता है। इसके अलावा अंदर आते ही राइट साइड पर आपको जो है वो स्विमिंग पूल मिलता है जी, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जी इस घर का। ये इसका मेन एंट्रेंस का व्यू मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें स्टेप्स बनाए गए हैं इस साइड से भी और उस साइड से भी। सामने आपको मेन एंट्रेंस का डोर नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत घर है जी। ये इसका मेन एंट्रेंस का डोर है जी, खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ मेन एंट्रेंस का डोर आपको मिलता है। ये फ्लोर का डिज़ाइन है जी। मेन एंट्रेंस की लॉबी में अभी हम मौजूद हैं और ये देखें जी खूबसूरत डिज़ाइन जो है ये आपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सामने डोर आपको मिल जाए जी, मेन घर का जो डोर है मेन एंट्रेंस का वो डोर है। और राइट साइड पे आपको जो है ये ड्राइंग रूम का डोर मिलेगा। ये फ्लोर का डिज़ाइन देखें जी, बहुत ही खूबसूरत फ्लोर का डिज़ाइन है। वुडन स्टाइल की टाइल जो है वो यूज़ की गई है। इसके अलावा ये देखें खूबसूरत नीचेस बनाई गई हैं और ये सीलिंग का डिज़ाइन है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो इसका टीवी लॉन्च मिलेगा जी घर का। टीवी लॉन्च की डिज़ाइन है आप देख सकते हैं जी, बहुत खूबसूरत बड़ी टाइल जो है वो मास्टर की यूज़ की गई है फ्लोर पे। और ये देखें जी ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन है। सीलिंग के डिज़ाइन में मिरर यूज़ किया गया है। राइट साइड पर आपको जो है इसकी मीडिया वॉल मिलेगी और उसके साथ ही आपको वेंटिलेशन की खाली स्पेस मिलेगी जहाँ पे पौधे रखे गए हैं। ये है जी पूरा व्यू इसके टीवी लाउंज का, बहुत ही खूबसूरत टीवी लाउंज है। तो आगे चलते हैं जी। सामने बिल्कुल आपको जो है वो किचन मिलता है। किचन में जाते हुए लेफ्ट साइड पे आपको एक पौधे की स्पेस मिल जाती है और एक राइट पर मिल जाती है जो कि आपके किचन की एंट्रेंस को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखें जी ये फ्लोर का डिज़ाइन है, खूबसूरत फ्लोर का डिज़ाइन है जी किचन का। और ये किचन देखें जी कितना बड़ा किचन है जी, नौ मरला में ये घर है। और ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे जो है वो वॉलग्राफी की गई है और सामने आपको डोर नज़र आ रहा है जो बाहर से गली से आपके किचन को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जी आगे चलते हैं। आगे आते ही सामने आपको विंडो मिल जाती है जी, आपका लॉन्ड्री एरिया, इसको आप एज ए लॉन्ड्री एरिया यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे आपको एक रूम मिलता है और राइट साइड पे आपको एक रूम मिलता है। तो लेफ्ट साइड पे जो रूम है हम पहले उसका विज़िट करते हैं। दो मास्टर बेडरूम है नीचे। ये देखें जी ये फ्लोर का डिज़ाइन है। उसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें जी, बहुत ही खूबसूरत जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन है माशाल्लाह। और इस साइड पे जो है आपको इसका अटैच वॉशरूम मिलता है। इसके अलावा इस साइड पे देखें जी ये कमरे में ही वॉलग्राफी, खूबसूरत वॉलग्राफी जो है वो की गई है। आगे आते ही राइट साइड पे आपको जो है बहुत ही बड़ी कबर्ड मिलती है, वार्डरोब जो पूरी एक वॉल के साथ इंस्टॉल की गई है। आगे आते ही लेफ्ट साइड पर आपको जो है इसका वॉशरूम मिलता है जी। वॉशरूम बहुत लग्जरी बनाए गए हैं जी, इसमें तकरीबन 8.5 फुट तक जो है वो टाइल इस्तेमाल की गई है वॉल्स पे। ये देखें जी ये पोर्टा और मास्टर की एसेसरीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये देखें जी ऊपर तक टाइल जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा वॉशरूम की सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी एक बेडरूम हमने विज़िट कर लिया जी ग्राउंड फ्लोर पर, अभी चलते हैं जी दूसरे बेडरूम की तरफ।
इसके बिल्कुल सामने हमें जो दूसरा बेडरूम मिल जाता है, और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। ये देखें फ्लोर का डिज़ाइन, उसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें जी। ये आपके बेड की जो पोजीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सीलिंग की गई है, और बहुत खूबसूरत ये भी रूम है जी। ये दो मास्टर बेडरूम जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये देखें जी आगे इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम है। लेफ़्ट साइड पे आपको जो है वार्डरोब मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब है। और ये देखें जी ये आगे आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। ये देखें जी कितना खूबसूरत वॉशरूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसमें मराची पोर्टा एंड मास्टर की जो एक्सेसरीज हैं वो यूज़ की गई हैं जी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का ये वॉशरूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन देखें, कबोर्ड्स देखें, और ये देखें जी इसकी वेंटी का डिज़ाइन। तो अभी तक हमने आपको दिखा दिया जी इस घर का जो है ग्राउंड फ्लोर। अभी चलते हैं जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, एक नज़र हम आपको जो रिव्यू है वो फर्स्ट फ्लोर का भी दे देते हैं। स्विमिंग पूल इस घर में मौजूद है। ये देखें जी यहाँ से राइट साइड पे आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं जो ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डोर मिलता है, अगर आप यहाँ से ये पार्टीशन करके बंद कर देते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। ये डोर का डिज़ाइन देखें जी, सॉलिड वुड के डोर यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा ये सीढ़ियों से थोड़ा सा आगे आपको पाउडर रूम दे दिया गया है जो कि आपके ड्राइंग रूम के लिए यूज़ होता है। ये देखें जी, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे यूपीएस वगैरह का कनेक्शन लगाने के लिए स्टेयर्स के नीचे कनेक्शन भी मौजूद है। ऊपर जाते हुए ये देखें जी अभी ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे मार्बल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है जी वॉल के साथ साथ। अगर इस घर की डिमांड की बात करते हैं तो इस घर की डिमांड है जी 3 करोड़ रुपया। मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल। खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपको मिल जाती है जी ऊपर आते हुए। और इस घर की डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो 3 करोड़ रुपया इस घर की डिमांड है मार्केट में। ये घर है अवेलेबल फॉर सेल। नीचे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी, हम आपको ये घर विजिट भी करवा देंगे। ये देखें जी अपस्टेयर लॉबी का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है जी अपस्टेयर लॉबी का। आगे आते ही राइट साइड पर आपको जो डोर मिलता है ना जी, ये देखें इस साइड पर, और ये यहाँ पर मेन एंट्रेंस के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सीलिंग का डिज़ाइन बनाया गया है। इसके अलावा इस साइड पे आपको इस घर का टेरेस मिलता है। सामने आपको पार्क मिलता है जी, क्योंकि ये घर जो है ये पार्क फेसिंग है। और इस घर के ये टेरेस को आप देखें कितना खूबसूरत जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस साइड पर देखें ये सारी टाइल का यूज़ किया गया है, ठीक है जी। इस साइड पर आपकी ये वेंटी है सारी, ठीक है जी, गली की तरफ खुलता है। चलिए जी आगे चलते हैं। ऊपर आते ही बिल्कुल सामने जो आपको डोर मिलता है वो आपका ड्राइंग रूम है। आप इसको एज ए बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम भी। अंदर आते ही राइट साइड पे आपको जो है ये खूबसूरत जो है वो वॉशरूम मिलता है। ये देखें जी इसमें भी टाइल का साइज देखें, ऊपर तक टाइल जो है वो यूज़ की गई है। और ये जी है बेडरूम, यहाँ पे आपको दो कबर्ड्स मिलती हैं अलग अलग, सिंगल कबर्ड्स इसको बोलते हैं। एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे है। और सेंटर में ये देखें खूबसूरत निच बनाई गई है, और उसमें वॉलपेपर का यूज़ सेम जो है आपको ऊपर सीलिंग में भी मिलेगी। और ये देखें जी बेहतरीन व्यू है इस रूम का, ये ड्राइंग रूम का। तो चलिए जी आगे चलते हैं। ये जी इस घर की मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस में एंटर होते ही राइट साइड पे आपको जो है वो किचन मिलता है। किचन के फ्लोर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो कबर्ड्स बनाई गई हैं इनका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कबर्ड्स हैं। और ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग का डिज़ाइन है, ठीक है जी। उसके अलावा ये टीवी लॉन्ज में अभी हम मौजूद हैं जी। ये टीवी लॉन्ज का डिज़ाइन है, फ्लोर का डिज़ाइन, और ये सीलिंग का डिज़ाइन है। लेफ़्ट साइड पे आपको खूबसूरत जो है वो वॉलग्राफी मिलती है, और राइट साइड पे आपको जो है वो इसका मीडिया वॉल मिलती है टीवी लॉन्च की। इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें डोर मिलता है जो कि इस घर का लॉन्ड्री एरिया है। लॉन्ड्री एरिया को देखें आप कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, ये देखें। किचन के साथ ही आपको इस घर का स्टोर रूम मिल जाता है जी, ये देखें। ये स्टोर रूम है जी, एक कबर्ड यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें।
और अगर आप चाहें तो एक कबर्ड यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो ये स्टोर रूम है जी। थोड़ा आगे चलते हैं जी। आगे आते ही बिल्कुल सामने आपको वेंटिलेशन मिल जाती है। ये पूरी तरह से घर जो है ये साफ़ सुथरा और हवादार घर है। और लेफ़्ट साइड पे आपको ये बेडरूम मिल जाता है। ये देखें जी, ये फ्लोर का डिज़ाइन है। उसके अलावा ये सीलिंग का डिज़ाइन है जी। और राइट साइड पे आपको निच, बहुत बड़ी निच मिलती है जिसमें वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। लेफ़्ट साइड पे आपको वॉलग्राफी मिलती है। आगे चलते हैं जी। आगे आते ही साथ ही आपको बहुत बड़ी कबर्ड जो है वो मिल जाती है। और इस साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है जी, अटैच वॉशरूम। ये देखें, आगे चलते हैं जी। इस रूम के बिल्कुल सामने आपको जो है वो ये दूसरा बेडरूम मिलता है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। टोटल ये चार बेडरूम का घर है। सीलिंग का डिज़ाइन देखें जी, कितना खूबसूरत है। आपके बेड की पोजीशन के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये देखें। और राइट साइड पे जो है वो आपको इसका अटैच वॉशरूम मिलता है, ये देखें। ये देखें जी, ये सीलिंग का डिज़ाइन देखें और जो टाइल लगाई गई है वॉशरूम में वो देखें। बहुत खूबसूरत घर है जी। इस घर की डिमांड है जी 3 करोड़ रुपया। अगर आपको ये घर पसंद है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम आपसे रब्ता कर सकते हैं आप, और हम आपको विज़िट भी करवा देंगे। इस साइड से ये देखें जी, स्टेयर्स जो हैं ये ऊपर जा रही हैं छत पे। ये देखें, पूरा मार्बल ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है जी। ये देखें, यहाँ पे भी आपको जो है वो स्टोर रूम की सहूलत मौजूद है। ये वेंटी पूरी बनी हुई है, यहाँ पे आप अपनी जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपना सामान। ये देखें जी, ये इस घर की छत है। तो ये था जी 9 मरला का स्पेनिश डिज़ाइन हाउस। लोकेशन इसकी जीवन सिटी फेज़ 3 है, पार्क फिशिंग घर है। तो अगर आपको ये घर पसंद है तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।